हेलो गाइस, मैं हूँ सौरभ बिश्वास। तो आज आपको दिखाने वाले हो अशोक लेलैंड का लिंक स्मार्ट या फिर ऑयस्टर BS6। तो ये जो आप देख रहा है ये है ऑयस्टर BS6। तो ये जो चेसिस है इसका सब जो है वो सब सेम ही है मेरा पहले वाला वीडियो जैसा। लिंक्स आई बटन में लिंक दिया है, देख लीजिए। तो पीछे का टेल लाइट रिमूव किया हुआ है, अभी बॉडी बन रहा है इसके ऊपर, तो इसके लिए मेजरमेंट वगैरह सब चल रहा है। तो सामने में ऐसा कुछ अंतर नहीं है, सामने में सब हेडलाइट वगैरह का पॉइंट दिया हुआ है। तो जो आप देख रहा है ये स्टीयरिंग फ्लूइड का यहाँ पर है, रेडिएटर का यहाँ पर है, ये इंटरकूलर रेडिएटर है चेसिस है, और ये एयर इनटेक का जगह यहाँ पर दिया हुआ है ड्राइवर के ठीक केबिन के नीचे, जैसा कि देख सकते हो। और यहाँ पर कंसोल दिया हुआ है, तो कंसोल में स्विचेस इस ये ऑयस्टर मॉडल में उस तरफ दिया हुआ है, ऑयस्टर वाइड में स्विचेस इस तरफ था, क्योंकि ये गड्डी का जो चौड़ाई है या फिर आप विथ भी बोल सकते हो जिसको, ये विथ थोड़ा सा कम है, ये विथ ये गड्डी का विथ थोड़ा सा ऑयस्टर वाइड या फिर चीता या वाइकिंग के मुकाबले कम है, क्योंकि ये आप मिनी बस के सेगमेंट में भी ले सकते हो, एक बड़ा वाला मिनी बस 49 व्हील बेस का। इसका इंजन का हॉर्स पावर भी ऑयस्टर वाइड जैसा ही है, और ये सब स्टीयरिंग वगैरह गियर मैकेनिज्म सब कुछ पहले जैसा ही है, ऑयस्टर जैसा ही है, कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं है। और एक बात है, ये गड्डी शायद 12 वोल्ट में आता है, 24 वोल्ट में भी शोरूम से अवेलेबल है। तो इसका जो बदलाव किया है पुराना मॉडल से वो है कि ये एक्सेल न्यू टाइप का दिया है, ये मेरिटर ब्रांड का एक्सेल है न्यू टाइप। अभी चेसिस के अंदर तो बॉडी बन रहा है, यहाँ पर तो मैं ऐसा डिटेल में दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन ये मेरिटर का एक्सेल है। तो जो भी है ये चेसिस, ये जो चेसिस नंबर है वो चक्का के पीछे दिया हुआ है, तो बॉडी बनने के बाद खोल के दिखाना पड़ेगा चक्का को। ये जो है ये सिंगल बैटरी 12 वोल्ट है, और ये बैटरी का कटआउट हो सकता है ये वाला, तो क्योंकि ये जो फ्यूज बॉक्स भी लगा हुआ है। तो अभी मैं सामने की तरह गियर बॉक्स जैसा कि वो ऑयस्टर वाइड में था वैसा ही सिमिलर टाइप का गियर बॉक्स है, लेकिन थोड़ा अलग है, ये थोड़ा फ्लैट शेप का छोटा साइज का गियर बॉक्स है, लेकिन केबल शिफ्ट मैकेनिज्म है। सामने का चक्का तो जैसा ही था वैसा ही है, कुछ चेंज वगैरह नहीं है। और यहाँ पर जो चेसिस की क्वालिटी है ये बहुत दूसरे ब्रांड के मुकाबले बहुत मज़बूत क्वालिटी का है, बहुत मोटा दिया हुआ है आप देख सकते हो, और ये क्रॉस आर्म भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है। और यहाँ पर जो EGR सिस्टम है वो भी पहले वाला वीडियो जैसा ही वैसा के वैसा ही है, और ये इंजन का भी ब्लॉक वैसा ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ चक्का का डिफरेंस है और गियर बॉक्स का डिफरेंस है, क्योंकि सेम इंजन में अगर छोटा चक्का लगाएंगे तो गियर बॉक्स का भी रोटेशन में अंतर आएगा, तो इसलिए वैसा ही किस्म का गियर बॉक्स है लेलैंड का, आप देख सकते हैं पूरा जेन्युइन पार्ट्स है अशोक लेलैंड का। तो जैसा कि आप देख रहा है यहाँ पर एडब्लू टैंक दिया हुआ है, तो ये जो पहले जैसे आपको बोला कि एडब्लू टैंक एकदम चक्का के लाइन में है, तो आप यहाँ पर अभी आधा बॉडी बन रहा है, तो आप देख सकते हैं कि लाइन लाइन के अंदर ही है चक्का, पीछे का चक्का वगैरह पूरा एकदम, तो ऐसा कुछ भी अंतर नहीं है। और ये एनोर से आया है अशोक लेलैंड, यहाँ पर लेबल से लिखा हुआ है एनोर प्लान से, पहला वाला भी एनोर प्लान का ही था। चक्का जेके टायर का 825/16 है साइज, और एडब्लू टैंक भी ले पार्ट्स का है, और यह है डीजल टैंक। तो डीजल टैंक थोड़ा सा इस बार ये मॉडल में थोड़ा फ्लैट किस्म का डीजल टैंक दिया है, तो ये किसी नया टाइप का डीजल टैंक में पहले बार ये लिंक स्मार्ट BS6 या आप ऑयस्टर BS6 पे देख रहा हूँ। BS4 में इसका नाम था लिंक स्मार्ट। तो जो भी है, तो यहाँ पर जो एयर का जो इंटरमीडिएट टैंक दिया हुआ है वो वल्व किट है हुआ पर ABS का, और ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन किट उसको बोलता है, वो वैपको का है लेपार्ट्स, तो लेलैंड वैपको का ही हमेशा देता है। और जो भी है ये थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है, लेकिन ये चेसिस बहुत रोबस्ट क्वालिटी का है, आपको अगर लेना है, आप अगर सोच रहे हो कि दूसरा ब्रांड का भी छोटा चक्का है, तो मैं बोलूँगा ये अशोक लेलैंड का जो चेसिस है ये बहुत रोबस्ट क्वालिटी का है, बहुत हेवी क्वालिटी का है, और मैं बोलूँगा इसको लेने से आपको बेफिक्र आप चला सकते हो, कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा, एकदम आराम से ये चेसिस चलेगा बिल्कुल। मैं बोलूँगा मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अशोक लेलैंड गड्डी में मेंटेनेंस भी कम है, और इसका जो सर्विस टाइम है वो भी ज़्यादा है, सर्विस इंटरवल, और इसका माइलेज भी अच्छा देता है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, एंड इसका जो पिकअप है वो सबसे बढ़िया है। पिकअप के मामले में BS4 भी बढ़िया पिकअप था, BS3 भी बढ़िया था, अभी BS6 भी बहुत बढ़िया पिकअप देता है, ये दूसरा ब्रांड के मुकाबले बहुत ज़्यादा पिकअप देता है। और सबसे बड़ा बात लेलैंड का है कि इंजन का जो साउंड है ये बहुत अच्छा है, जो ड्राइवर चलाएगा उसको भी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा इंजन साउंड, क्योंकि जो चला रहा है उसको ही तो समझ में आता है कि कौन सा
इंजन का पिकअप में या कौन सा आरपीएम में इंजन कैसा चल रहा है। तो यही है ऑयस्टर का। अब पीछे में देख सकते हो इसका हेडलाइट और टेल लाइट्स अभी रिमूव किया है, क्योंकि ये बॉडी बनने के बाद लगाएगा। सब एलईडी दिया अभी देता है, जैसा कि वाइकिंग चीता 12 मीटर में जो एलईडी आता है अभी राउंड शेप का, वही है। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो है ये 12 वोल्ट का सिस्टम है, क्योंकि ये जो फ्लैशर का है, ये बोथ साइड इंडिकेटर का जो फ्लैशर है वो है 12 वोल्ट लिखा हुआ है इसका। ये सिस्टम 12 वोल्ट का है। वो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल है जो बोल रहा है कि ये 24 वोल्ट का सिस्टम है, दो बैटरी का जगह है, लेकिन इस पे एक ही बैटरी है, क्योंकि बैटरी ट्रे सिंगल है। चीता, वाइकिंग और 12 mAh ओनली, उस पे ही सिर्फ आपका दो बैटरी का जगह है। तो बहुत सारे यूट्यूबर है जो सोचता है कि ये जो गड्डी है इसका, ये जो बैटरी का आपका पार्ट है, ये बैटरी है, लेकिन ये बिल्कुल भी बैटरी नहीं है, रिले बॉक्स है। क्योंकि आप इसका साइज़ देख के बोल सकते हो कि ये बैटरी नहीं है, क्योंकि ये जगह बैटरी का है। तो अगर ये डबल बैटरी होगा तो ये ऐसा ट्रे बड़ा, बहुत बड़ा साइज़ का ट्रे रहता है, या फिर दो ट्रे रहता है। तो ये 12 वोल्ट का सिस्टम है। अशोक लेलैंड अभी ये 4 सिलेंडर सेगमेंट में 12 वोल्ट दे रहा है और 6 सिलेंडर में 24 वोल्ट दे रहा है। तो मैंने YouTube में एक चैनल में देख रहा था कि वो कोई ऑयस्टर वाइड या फिर लिंक स्ट्रॉन्ग, जिसको आप जो भी आप नाम से बुलाते हो, वो मॉडल को बोल रहा था कि वो 24 वोल्ट सिस्टम है, लेकिन उस पर एक ही बैटरी ट्रे था। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि बैटरी ट्रे एक रहेगा तो इसका मतलब है 12 वोल्ट, और दो बैटरी ट्रे या डबल ट्रे रहेगा तो 24 वोल्ट। तो जो भी है, और वेबसाइट पे भी अशोक लेलैंड का 4 सिलेंडर में 24 वोल्ट देता है। जो कंपनी वाला जो बॉडी वाला मॉडल आता है, जो बॉडी एकदम कंपनी से बना के आता है, वो मॉडल में सिर्फ दो बैटरी का सिस्टम होता है, ये ऑयस्टर या ऑयस्टर वाइड में इन पे। लेकिन ये चेसिस वर्सन जो दे रहा है, चेसिस वर्सन में दोनों मॉडल आपको अवेलेबल है। एक है 24 वोल्ट वाला सिस्टम, एक है 12 वोल्ट वाला सिस्टम। तो मैं आपको छोटा करके समझा देता हूँ कि आपको कौन सा लेना चाहिए। अगर चेसिस लेना हो तो आपको 24 वोल्ट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको जो ईच एंड एवरी जो गड्डी में बल्ब रहता है, बल्ब एलईडी वगैरह, वो सबको आप 24 वोल्ट हर जगह में मिलता नहीं है। 12 वोल्ट का आप अगर मारुति या वैसा गड्डी, छोटा गड्डी का भी बल्ब लगा दोगे, क्योंकि छोटा गड्डी 12 वोल्ट पे चलता है, तो उनका बल्ब भी लगा देंगे तो काम चल जाएगा, आराम से चलेगा, क्योंकि 12 वोल्ट पे उनका ही बल्ब रहता है। लेकिन 24 वोल्ट अगर होगा तो आपको अलग से बस का या ट्रक का कोई दुकान स्पेयर शॉप में जाके आपको 24 वोल्ट का बल्ब खरीदना पड़ेगा, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक बात है। तो इसलिए आपको बोल रहा था कि अगर आपको चेसिस वर्सन में लेना है और आप ऐसा प्राइवेट ऑपरेटर बन के चलाएंगे गाड़ी को, आप खुद ही ऑपरेट करेंगे एकदम लोअर कॉस्ट से, तो 12 वोल्ट ही बेस्ट है, क्योंकि बैटरी का भी खर्चा कम है, सिंगल बैटरी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेगा। और अगर आप किसी इंटरस्टेट वगैरह के लिए चला रहे हैं जिधर में प्रॉफिट ज़्यादा है, तब आप, और एसी भी मैंडेटरी है, तो उस जगह में 24 वोल्ट मैंडेटरी है, क्योंकि एसी अगर रहेगा तो 24 वोल्ट ही बेहतर होगा, अगर एसी ना रहेगा तो 12 वोल्ट ही ठीक है। मैं वही बोल रहा था आपको समझाने के लिए, आपके सुविधा के लिए। तो यही बात है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि ये गड्डी का स्पेसिफिकेशन क्या है, ये टंकी का एडब्लू का कितना है। तो तब तक आपको चेसिस एक बार घूम के दिखा देता हूँ। तो एक्चुअली मुझे और भी पहले आना चाहिए था, जब पूरा पीछे में लाइट वगैरह लगा था, लेकिन नहीं है। तो आप इसको देख पा रहा है, ये चेसिस बहुत, इसका जो चौड़ाई है बहुत कम है। ऑयस्टर वाइड अगर होता तो चौड़ाई और भी 8 इंच से 1 फुट ज़्यादा होता। तो ये पीछे का जो एक म्यूजिकल सिस्टम देता है बैक गियर में, ये कंपनी से आता है, लेकिन ज़्यादातर बंगाल का ओनर्स यूज़ नहीं करते हैं इस सिस्टम को। ये स्पीकर छोटा वाला है, म्यूजिकल स्पीकर हटा देते हैं। और ये वाला जो दोनों तरफ है लगा हुआ है, ये एक्चुअली यहाँ से हटा के आप गड्डी अगर कोई ढाल पे रहेगा तो गड्डी स्लिप ना कर जाए, इसलिए ये वाला यूज़ करते हैं। अगर हैंड ब्रेक आप नहीं यूज़ करना चाहता और लॉन्ग टर्म के लिए आप गड्डी रख देना चाहता ढाल पे, तो ये वाला आपको यहाँ से नट हटा के, ये वाला जो नट लगा है नट हटा के आपको चक्का में डाल देना चाहिए, तो क्या गड्डी ढाल में पीछे या सामने जाएगा नहीं, लॉक रहेगा एक जगह पे। ये चेसिस इंजन नंबर दिया हुआ है, मैं आपको स्क्रीनशॉट वीडियो में डाल दूंगा। और यही है, रोबस्ट क्वालिटी का बहुत चेसिस है। मैं एक बार इधर से डिफरेंशियल भी दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहा है। तो ये जो डिफरेंशियल दिया है, ये दाना स्पाइसर ब्रांड का दिया है, क्योंकि आप देख पा रहा है ये पहले में मेरिटर आता था, लेकिन अभी स्पाइसर है। ये दाना स्पाइसर डिफरेंशियल दिया है। मेरिटर भी बहुत अच्छा ब्रांड का डिफरेंशियल पहले था, लेकिन अभी दाना स्पाइसर भी दे रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई वो टिप्स नहीं है जैसा कि पहले में रहता था, एक दो वो वाला नहीं है, फ्लैट है। तो ये दाना स्पाइसर है, ठीक है।
और डिफरेंशियल दाना स्पाइसर भी अच्छा है, मेरिटर भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशियल डिफरेंशियल ये होता है, सिर्फ ब्रांच का फ़र्क रहता है। ऑब्वियसली मेरिटर थोड़ा हैवी ड्यूटी है क्योंकि अशोक लेलैंड का 12 मीटर और जैनबस पे मेरिटर ही आता है और क्रेन्स में मेरिटर आता है, लेकिन आप ये छोटा चक्का में आराम से दाना स्पाइसर ले लेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ये तो आप ट्रक बना के तो नहीं चलाएंगे, ये बस ही चलाएंगे और ये आप मतलब नॉर्मल यूज़ करेंगे, कोई रफ एंड टफ जगह पे तो नहीं चलेगा बस, वही मैं बोल रहा था। और यहाँ पर ये आपका फ्यूल फिल्टर दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक है और पीछे में शायद एक है कि मैं तो दो को रहता है, और सामने में तो ऐसा ही है पहले जैसा। और एक चीज़ है कि इसका जो ड्राइवर केबिन के ऊपर एक कवर रहता है, तो यही है वो कवर, आप देख सकते हैं। तो वो कवर अभी हटा के रख दिया है यहाँ पर, आप देख पा रहा है। और जो भी है, ये सामने में फाइबर दिया हुआ है शायद, ये टफेन ग्लास है। तो दूसरा ब्रांच तो कुछ दूसरा मटेरियल देता है, लेकिन ये टफेन ग्लास दिया है, यही खोल के सामने का ग्लास में लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो भी है, यही है चेसिस। तो ये जो आप देख रहे हैं ये डैशबोर्ड है, तो वैसा ही ऑयस्टर वाइड का डैशबोर्ड दिया हुआ है। और ये जो स्विचेस दिया हुआ है, ये ऑयस्टर वाइड में इस तरफ रहता है, ऑयस्टर में इस तरफ रहता है। तो क्योंकि ये चेसिस थोड़ा सा कम चौड़ा है इसलिए। तो ये स्टीयरिंग है, ये गियर है, उबा वैसा ही गियर है, और ये आपका हैंड ब्रेक है, और ये सब पैडल्स दिया हुआ है, क्लच ब्रेक एक्सेलेटर। तो आप देख पा रहा है बहुत अच्छा पोजीशन पे दिया है, और हैंड ब्रेक भी एकदम अच्छा जगह पे दिया है। सिक्स सिलेंडर में हैंड ब्रेक तो यहाँ पर रहता है, और ये सीट भी बहुत कंफर्टेबल सीट है, ये सीट को आपको बदलना नहीं पड़ेगा। ये हॉर्न भी दिया है, जैसा कि उस मॉडल में मैं आपको दिखाया था ऑयस्टर वाइड में, हूबहू वैसा ही है, कुछ अंतर नहीं है। और ये डैशबोर्ड का मीटर से, ये जब गड्डी जब चलेगा तब आपको ये प्लास्टिक वगैरह हटा देगा, प्रोटेक्टिव प्लास्टिक, तब आपको मैं दिखाऊंगा। और ये भी एक दिया है, ये हेडलाइट का जो बीम एंगल होता है, बीम का वो बीम एंगल ठीक करने का है, ये छोटा गड्डी पे भी रहता है। और ये OBD पोर्ट का दिया हुआ है, वो जो लैपटॉप या स्कैन टूल लगाने वाला। तो ये बॉनेट भी वैसा ही टू पार्ट्स का बॉनेट है, ये जगह थोड़ा छोटा है इस पे, ये ड्राइवर का सेल फोन वगैरह रखने के लिए, लेकिन इस जगह में कोई बाउंड्री नहीं है, तो क्या फ़ोन वगैरह गिर सकता है। तो ये जब बॉडी बनाएगा इस जगह को थोड़ा सा एक पट्टी वगैरह फिक्स करना पड़ेगा। तो चेसिस तो वैसा का वैसा ही है, आप देख पा रहा है, इस पे कोई अंतर नहीं है। तो क्वालिटी ख़ास है, बहुत हैवी ड्यूटी है। और ये चेसिस को जब घर पर कोई भी चला के लाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, एकदम मस्त। तो एक्स्ट्रा स्विचेस का भी जगह है, तो जो भी है यही है। तो आप अगर मुझे पूछेंगे कि कौन सा मॉडल लेना है, आप नॉर्मल ऐसा ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, तो मैं बोलूँगा देखिए आप ये मॉडल ले लीजिए, ये ऑयस्टर, क्योंकि ये मॉडल का आपका चक्का छोटा है लेकिन पिकअप ज़्यादा है, माइलेज भी ज़्यादा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। लेकिन अगर आप ऑयस्टर वाइड भी ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो भी 4 सिलेंडर व्हीकल है। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा कि अगर आप रूट सिटी पर्पस रूट बस कोलकाता रूट बस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको आराम से यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा ब्रांड के मुकाबले बहुत रोबस्ट और बहुत अच्छा क्वालिटी का गड्डी है। और अगर आप बराबर बड़ा चक्का इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि चक्का का दाम भी उन पे ज़्यादा पड़ेगा, तो वो ऑयस्टर वाइड ले सकते हैं। या फिर अगर आप वो पूछेंगे कि नहीं 6 सिलेंडर लेना है, तो आप चीता वाइकिंग या 12M को देख सकते हैं।
यही था मेरा छोटा वाला रिव्यू ये लिंक्स स्मार्ट या ऑयस्टर के ऊपर। तो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक बटन प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा ही वीडियोस अब देखने के लिए। और इसका जब बॉडी पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा और इंजन स्टार्ट कंडीशन पर भी दिखा दूँगा आपको। तो ठीक है, धन्यवाद।